अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के इन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्क्रिप्ट का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा फ्री में मिलती रहे। तो साथियों, आज के वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कुवैत से बहुत ही अहम खबर आ रही है, जो कि आ रही है डोमेस्टिक वर्कर को लेकर। तो दोस्तों खबरें क्या है और भी कुछ अहम खबरें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों खबर जो आ रही है, पब्लिक अथॉरिटी ऑफ मेन पावर की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया है कि लगभग एक महीने के अंदर 30,000 डोमेस्टिक वर्कर जो है वो कुवैत छोड़ के चले गए हैं अलग अलग वजहों को लेकर। किसी का अलग, सभी का अलग अलग वजह था। वहीं पे यदि हम लोग आने के बारे में बात करें तो नए वर्कर जो डोमेस्टिक वर्कर आए हैं लगभग दोस्तों 1533 वर्कर ही सिर्फ आए हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं लगभग 29,000 वर्कर जो है वो लगभग जो है नुकसान हो चुका है कुवैत में। पहले से ही डोमेस्टिक वर्करों को काफी वहां पर दिक्कतें हैं, लोगों वहां पे काम करवाने के लिए डोमेस्टिक वर्कर बिल्कुल मिल नहीं रहा है। उसके बावजूद भी एक महीने के अंदर लगभग 30,000 लोग जा चुके हैं। बताना चाहूंगा साथियों कि कुवैत में लगभग अभी एक महीना पहले 6,36,525 डोमेस्टिक वर्कर थे, जो कि 30,000 वर्कर जब चले गए हैं तो मात्र बचा हुआ है 6,06,000 लगभग ही डोमेस्टिक वर्कर जो बचा हुआ है। तो दोस्तों पब्लिक अथॉरिटी मेन पावर की तरफ से बताया गया है कि डोमेस्टिक वर्करों की काफी ज्यादा वहां पे कमी हो रही है, लोगों को वहां पे वर्कर मिल नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से काफी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो बहुत ही जल्दी हो सकता है डोमेस्टिक वर्करों को लाने का जो तेजी है काफी स्पीड से बढ़ाया जाएगा और लोगों को लाया जाएगा। अगली जो अपडेट साथियों जो आ रही है दोस्तों, बताना चाहूंगा कि वहां पे लेबर ऑफिस में जाके कुछ स्पॉन्सर के द्वारा लेबरों पे कंप्लेन किया गया और लेबर के द्वारा स्पॉन्सर पे वहां पे कंप्लेन किया गया। तो दोस्तों खबर यहां पे ये आ रही है कि स्पॉन्सर के खिलाफ लगभग एक महीने के अंदर 152 खादी वर्करों ने जाकर वहां पे लेबर ऑफिस में जाके कंप्लेन किया है। वहीं पे यदि हम लोग बात करें कि मतलब स्पॉन्सर ने कितना कंप्लेन किया, तो स्पॉन्सर ने अपने लेबरों के डोमेस्टिक वर्कर के खिलाफ लगभग 29 केस किया गया है, जिनमें से दोस्तों बताना चाहूंगा 63 केसों को कोर्ट भेज दिया गया है और बाकी जो बितना 134 केस लगभग जो बचते हैं वहीं पे उसे सॉर्ट आउट कर दिया गया, यानी दोनों पक्षों को बुला के दोनों को समझा के सॉर्ट आउट कर दिया गया। बाकी जो बचा हुआ केस 63 है वो सॉल्व नहीं हो पाया, जिसके बाद सभी केसों को कोर्ट भेजा गया, उस कोर्ट में उस सब का फैसला होगा। अगली जो अपडेट साथियों जो आ रही है, कुवैत में एक ब्रिटिश महिला को दोस्तों बताना चाहूंगा गिरफ्तार किया गया था। मैंने आपको दो दिन पहले ही बताया था, क्योंकि इसका वजह यह था कि वो कुरान की आयतों का उल्लंघन किया था। वो अपनी पैरों में कुरान की आयतों को गुदवाया था, यानी लिखवाया था, जिसके बाद कहीं पे वो किसी के द्वारा देखा गया, जिसके बाद कंप्लेन किया गया और ब्रिटिश महिला को वहां पे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों जब उससे पूछताछ की गई तो वो उनका कहना है कि ये मैंने 4 साल पहले इसे लिखवाया था, गुदवाया था और मुझे पता नहीं था ये कुरान की आयत है, बस मैंने इसे लिखवा लिया था। उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है और बोला है बहुत ही जल्दी मैं इसे हटवा दूंगी, मतलब डिलीट करवा दूंगी, साफ करवा दूंगी। तो फिलहाल उस ब्रिटिश महिला को छोड़ दिया गया है और उसे जल्दी से जल्दी से हटाने की बात कही गई है। अभी जो अपडेट साथी जो है दोस्तों, वो थोड़ी दोस्तों अच्छी खबर भी आ रही है, पर अभी अच्छी खबर है या बुरी खबर है आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा। दोस्तों कुवैत अमीरी के तरफ से वहां पे कुछ लोगों को जो फांसी की सजा सुनाई गई थी, अमीरी के तरफ से माफीनामा दिया गया, यानी कुछ वहां पे जो वहां पे कैदी थे कुछ लोगों को फांसी की सजा थी जो अलग अलग केसेस में थे, तो कुछ उन लोगों को छोड़ने की वहां पे बात की गई है, माफी देने की बात कही, यानी दोस्तों उन लोगों का फांसी नहीं होगा पर जेल में जिंदगी उसे गुजारनी पड़ेगी। पर यह सिर्फ हुआ है कुवैतियों लोगों के लिए, एक्सपर्ट के लिए नहीं है। एक्सपर्ट की कोई माफी का भी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर कुछ कुवैतियों को माफ किया जाएगा, उन लोगों को उम्र कैद हुआ हो जाएगा पर फांसी नहीं दी जाएगी, अमीरी की तरफ से यह सब माफ किया गया है। दोस्तों अगली जो खबर दोस्तों आ रही है, कुवैत में केओसी कंपनी की तरफ से आ रही है। दोस्तों केओसी कंपनी की तरफ से ये बताया गया है कि यदि आप कहीं पे भी आप मेरी एक केओसी कंपनी के एडवर्टाइजमेंट देखते हैं कि जॉब निकाला गया है या कुछ निकाला गया, वैकेंसी निकाला गया है, तो आप ऐसी अफवाह में ना पड़े, डायरेक्ट केओसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां पर चेक करें, क्योंकि ऐसी मेरे तरफ से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। क्योंकि कुवैत में बहुत सारे भी ब्रोकर हैं जो कि पैसे लोगों का बोल रहे कि नौकरी दिलवा देंगे और वो सारा पैसा खा जा रहे, तो ये सब चीजों का आपको ध्यान देना है। तो ये कुछ अपडेट थी, कुछ खबरें थी जो कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोगों को इसकी जानकारी हो सके। मिलते साथ ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।